हमको तो गाली देने के लिए बुलावे किया, वो तो गरिहंड ही है। एक बार आप लोगों को मालूम है ना कि सुशील मोदी इनका मंत्री पद छीन लिया था, यही सब करने के लिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इतना न बोलेंगे तो बिहार ने हटा देगा, वो बोलने के लिए तो मिट्टी में मिला देंगे या पहाड़ पर उठा देंगे, लेकिन करके दिखा दे तब न। 2024 में यही ना है कि विजय सिन्हा को विधानसभा में क्या कहे थे, बकबक मत कीजिए। जो विधानसभा अध्यक्ष था बीजेपी का, उसको भी बेइज्जत कर दिया था, नीतीश जी को कह रहा है तो कौन जुलूम। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज, मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ आरजेडी के विधायक और बिहार विधानसभा के सचेतक हैं मुन्ना यादव जी। क्या कहेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देंगे नीतीश कुमार। कौन है प्रदेश अध्यक्ष, सम्राट चौधरी, तो वो तो गाली देने के लिए बुलावे किया, वो तो गरिहंड है ये है। एक बार आप लोगों को मालूम है ना कि सुशील मोदी इनका मंत्री पद छीन लिया था, मालूम है कि नहीं है। उस समय उदंड था, तो उदंड लोग का जमावड़ा है बीजेपी में, बाच बेचाल बाचाल सब जितना है उनको, कभी कहा सम्राट चौधरी जी का क्या है बेचारे को, यही सब करने के लिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इतना न बोलेंगे तो बिहार ने हटा देगा। साफ साफ कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे। अरे कुछ नहीं बोलने के लिए तो मिट्टी में मिला देंगे या पहाड़ पर उठा देंगे, लेकिन करके दिखा दे तब न। 2024 में साफ यही ना है कि विजय सिन्हा को विधानसभा में क्या कहे थे, बकबक मत कीजिए। जो विधानसभा अध्यक्ष था बीजेपी का, उसको भी बेइज्जत कर दिया था, नीतीश जी को कह रहा है तो कौन जुलूम है। क्या लगता है 2024-25 में दावा कर रही है कि महागठबंधन 2024 के बाद सम्राट चौधरी को कान पकड़ के हटा देगा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनका जो मंशा था कि हाँ सम्राट चौधरी से बुलवा करके या वोट का जो है विकेंद्रीकरण करना है, ये सब कुछ होने होने वाला नहीं है। ये सम्राट चौधरी 24 तक प्रदेश अध्यक्ष ही हैं। वो कह रहे हैं कि 2025 में आपकी सरकार महागठबंधन, पहले 24 में सरकार अपन बचा के दिखा दो ना। वो तो ये कह रहे हैं कि लव सब कुछ कहेगा कि 300 पार 400 पार, लव कुछ का सीएम होगा, कौन सीएम नहीं बनेगा। अरे यादव और लव कुछ नहीं जानते, एक तो आप जान लीजिए कि जो धारा चौधरी कहना कि मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का 17 साल 18 साल में कोई सीएम का चेहरा हुआ, इसकी हैसियत नहीं है कि किसी का नाम बोल दे। अगर है औकात सम्राट चौधरी का तो नाम का घोषणा करे, खुला चैलेंज है मेरा। मैं इतना जानता हूँ कि सीएम का कैंडिडेट घोषित करवा दे चाहे करवा ले, मेरा खुला चैलेंज है सम्राट चौधरी का। क्या ही हम बचपन से जानते हैं भाई, जिस समय मंत्री उन्त्री बना था, हटाया गया था, सुशील मोदी जो है चिल्लाए थे, फिर सुशील मोदी के गोदी में गिर गए। क्या लगता है तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, इसमें कोई शक भी है क्या? जनता ने मोहर मार दिया है, अब बहुत जल्दी नीतीश कुमार जी भी मोहर मारेंगे, मारेंगे 25 से पहले एकदम। 24 में देखिए ना, पहले 24 का खेला देख लीजिए, 25 से पहले मारेंगे मोहर, 25 से पहले। आपने सुना कि आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने क्या कुछ कहा, बिहार विधानसभा के मुख्य सचेतक भी हैं, इन्होंने साफ साफ कहा कि 25 से पहले सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, और बीजेपी वालों को खुला चैलेंज दिया, हिम्मत है तो सीएम उम्मीदवार दिखाए और सामने सामने लड़ाई लड़े, और कई सारी बातों को कहा है सम्राट चौधरी को लेकर कि 2024 के बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। तो बने रहिए लाइव सिटी के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।